प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है, उसका पहला सिचुएशन है जिसमें आप इस प्रकार का टाइम स्केल बनाए थे, कि मतलब है जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और उसका प्रभाव या असर, उसका प्रभाव या जो असर है, उसका जो इफेक्ट जो है उसका असर या प्रभाव प्रेजेंट टाइम पर हो, और उसका असर जो है वो प्रेजेंट टाइम पर भी है। तो ये जो हमने ऐसे एरो पीछे किया हुआ है, इसका मीनिंग है कि काम पहले कंप्लीट हो लिया है, और इसको जो प्रेजेंट के ये जो सर्कल से हमने छुआ रखा है, इसका मतलब है कि इसका असर प्रेजेंट टाइम पे है। इसके लिए आपके पास जो कुछ एडवर्बियल इंडिकेटर पाए जाते हैं इस प्रकार की सिचुएशन में, जैसे जस्ट पाया जाता है या ऑलरेडी मिल जाता है, इसके अलावा लेटली या रिसेंटली होते हैं, रिसेंटली है या लेटली है। लेटली का मीनिंग कोई लेटली वाले का अर्थ कोई देरी से नहीं है, लेटली या रिसेंटली जो है उनका हिंदी मीनिंग है हाल ही में, ऑलरेडी का मीनिंग है पहले ही, और जस्ट का मीनिंग होता है अभी अभी। जस्ट के हालांकि अन्य अर्थ भी होते हैं, तो कई बार पेपर में उलझाने के लिए जस्ट का मीनिंग कुछ और ही हो रहा होता है और आप उसको फिर ढंग से अर्थ देखते नहीं हैं, तो वाक्य को ढंग से देख के करा जाए कि वहां जस्ट का जो मीनिंग है वो अभी अभी के अर्थ में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स देखें, और इसमें ये जो चारों एडवर्ब हैं, इनकी खास बात और है कि इनकी जो पोजीशन है वो हेल्पिंग और मैन के बीच मिलती है, यानी जो आपका हैज प्लस, हम जैसे हैज है प्लस यूज करेंगे, तो हैज और हैव जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके इनकी पोजीशनिंग कहाँ मिलेगी, बाद में फिर लेके आएंगे मैन वर्ब। तो ऐसी जो एडवर्ब्स हैं इन्हें कहा जाता है मिड पोजिशनिंग एडवर्ब, ये एमपीएज होती हैं। ये क्या है? एमपीएज हैं। एमपीएज का मतलब है मिड पोजिशनिंग एडवर्ब है ये। एमपीएज का मतलब क्या हुआ है? मिड पोजिशनिंग एडवर्ब्स, ऐसी एडवर्ब जिनकी पोजिशनिंग मिड है, मध्य में है। किस मध्य का मतलब यहां से क्या है? जो तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमारे पास इस टेंस में आप हैज या हैव पाते हैं, तो ये जो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके बाद में आप इस एमपीए को लेके आएंगे, इसके बाद में ये एडवर्ब पाया जाएगा, यानी जस्ट वगैरह जो वर्ड हैं ये मिलेंगे आपको यहां। और फिर आपके पास जो मैन वर्ब का मामला है वो मिलेगा, जैसे आप यहां कहेंगे आगे थर्ड फॉर्म वगैरह लगाएंगे, तो जो थर्ड फॉर्म होगा फिर वो रहेगा मैन वर्ब। जैसे मैंने बोला, ऐसे बोले हैज गोन है, तो ये जैसे जस्ट है वो आएगा हैज जस्ट गोन,
या हैज ऑलरेडी डन, हैज रिसेंटली मेड, हैज लेटली सीन, ऐसे. तो लेटली, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी जो है ये हैज है, और आगे जो मैन वर्ब है इनके यहां मध्य में पाए जाएंगे, इसे कहा जाता है मिड पोजिशनिंग एडवर्ब बोला जाता है. जैसे सेंटेंस हम बनाएंगे तो हरी हैज जस्ट कम, कम यहां थर्ड फॉर्म हैज के आगे वाले में, तो हरी हैज जस्ट कम, इसका मीनिंग हुआ हरी अभी अभी आया है. हिंदी वगैरह में कल समझा चुका था, चुका है आया, जैसे इसका हिंदी अनुवाद इसे हैज प्लस थर्ड है, ये बीच में जस्ट वगैरह रखा रखा हमने, तो हरी हैज जस्ट कम, इसको आप हिंदी में ऐसे कहेंगे हरी जो है, हरी अभी अभी आया है, तो हरी अभी अभी आया है. या कई बार हम ऐसे अंग्रेजी हिंदी मिक्स बोल देते हैं, जस्ट आया ही है. कई बार जस्ट को हम हिंदी में जस्ट यूज करके ऐसे क्या कह देते हैं, हरी जस्ट आया है. तो मेरा जो बल है वो इस वाली बात पे है, आया है. ये आया वगैरह जो शब्द हिंदी का है ये किस बात को दिखा रहा है, एक्टिविटी फिनिश्ड है, पूरी है. और जो है शब्द है इसका मीनिंग क्या है, ये प्रेजेंट से इसका प्रभाव कनेक्टिविटी जोड़ा जा रहा है. या जैसे ऑलरेडी से कह सकते हैं, आपने कोई काम पहले ही फिनिश कर लिया है तो आई हैव. तो इसमें एक और बात समझाएं, इनके प्रेजेंट पे प्रभाव कैसे होते हैं, ये एक्टिविटी फिनिश्ड हो गई है और इसका असर कहां है, प्रेजेंट पे है. तो प्रेजेंट पे इसका असर समझने के लिए हम इसके ब्रैकेट्स में या मतलब मीनिंग में कुछ और बातें ऐड कर देते हैं. जैसे हरी है जस्ट कम, हरी अभी अभी आया है, इसका मतलब है इस समय वह कहां है, जिस स्थान पे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं वहीं पे ही मौजूद है. जैसे मैं कहूं ये भाई साहब अभी अभी क्लास में आए हैं, तो अभी भी क्लास में आए, इसका मीनिंग क्या है, ये यहां क्लास में मौजूद हैं. तो हरी है जस्ट कम, इसका प्रेजेंट में असर कैसे, इसका मतलब ये है, इट मीन्स, इसका मतलब निकलता है, इट मीन्स, इसका ये अर्थ हुआ इट मीन्स ही इज हियर, इसका मतलब है वो यहां मौजूद है. अब यहां का जो भी स्थान है जहां भी आप खड़े होकर बातें कर रहे हैं जिस भी लोकेशन पे, इसका मीनिंग ये हुआ कि हरी यहीं मौजूद है. ही इज हियर, ही इज हियर मतलब प्रेजेंट की बात हुई, प्रेजेंट में इसी जगह है. तो ही है जस्ट कम, वो यहां आ गया है, आ चुका है, वह यहां आया है या आ चुका है, जो भी हिंदी बोलेंगे, इसका मतलब यह है कि वो यहां मौजूद है. तो ब्रैकेट वाली बात किस बात को इंडिकेट कर रही है, प्रेजेंट टाइम पे इसका असर ऐसे है कि भाई साहब यही मौजूद हैं. जैसे आपने कहा आई हैव ऑलरेडी फिनिश द वर्क, मैं पहले ही काम को पूरा कर चुका हूं. जैसे ऑलरेडी के संग हम ये रटवा लिया आपने, भाई हैव प्लस थर्ड लगा देंगे आप, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो यूज किया हुआ है और ऑलरेडी वाले के साथ में, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका प्रेजेंट पे क्या असर है, क्या टाइम का प्रभाव कैसे है. तो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, मैं पहले ही अपना काम पूर्ण कर लिया हूं, इसका मतलब ये निकलता है, इट मीन्स, इसका अर्थ हुआ कि मैं फ्री हो गया हूं. आपने काम फिनिश कर लिया है, इसका मीनिंग है आप काम को फिनिश कर ली, इसके बाद आप क्या हैं, फ्री हैं. इट मीन्स नाउ आई एम फ्री, काम मेरा मैं पूरा कर दिया हूं पहले ही, तो काम पूरा कर चुके हैं आप, तो आप फ्री बैठे हैं, तब मैं फ्री हो गया हूं. इससे जैसे हम रिसेंटली में कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली विजिटेड किसने लिख दिया, आई हैव रिसेंटली विजिटेड लंदन, मैं अभी हाल ही में लंदन की विजिट करके आया हूं.
रिसेंटली आप बोल सकते हैं, लेटली भी कह सकते हैं इस जगह पे। तो आई हैव लेटली या रिसेंटली विजिटेड लंडन, अभी मैं हाल ही में जो है, हाल ही किसका अर्थ निकल रहा है, लेटली या रिसेंटली वाले का। तो हाल ही में मैं लंदन की विजिट करके आया हूं, वहां घूम के आए हैं, जाके आए हैं, जैसे भी हिंदी कहेंगे, इसका मतलब क्या निकलता है कि ये आपका जो विजिट है ये क्या हुआ, इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट टाइम पे है, यानी वहां की जो घटनाएं हैं, वहां के जो अनुभव जो हैं, वो अभी भी तुम्हारे क्या, अभी क्या है, आपको मेमोरी में है, आपको ध्यान में है। इसका इसका अर्थ निकलता है, इट मीन्स इसका अर्थ है द एक्सपीरियंसेस The experiences of London visit are, यहां ये आर में प्रेजेंट वाली बात आ रही है, The experiences of London visit are in my memory, जो स्पीकर से आई बोल रहा है तो वो अभी भी क्या है, मेरी स्मृति में है। तो लंदन यात्रा के जो आपके अनुभव रहे हैं, जो भी गतिविधियां रही हैं, वो अभी भी हमारी मेमोरी में मौजूद हैं। तो सभी में आप देख रहे हैं ऐसे, इसको जो मीनिंग जो समझाया, इट मीन्स जो इसका मीनिंग समझाया गया है, उसको ऐसे आप देख रहे हैं प्रेजेंट के साथ समझाया गया है। ही हैज जस्ट कम, अर्थात ही इज हियर। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क, इट मीन्स काम पूरा कर दिया हूं, इट मीन्स नाउ आई एम फ्री। मैं रिसेंटली यहां की विजिट करके आया हूं, इसका मीनिंग है कि वहां की विजिट के जो भी अनुभव हैं वो मेरे पास अभी भी मेमोरी में मौजूद हैं। यहां जो विजिट लिखा है ये नाउन है, यहां तो विजिट वाली चीज वर्ब है, यहां पे है लंदन विजिट करने है, लंदन की यात्रा के अनुभव, दिस विजिट इज नाउन, और यहां वर्ब है वो कौन सा है, ओनली आर, सिंगल वर्ब आर वाला यूज किया गया, प्रेजेंट टेंस सिंपल वाला। तो तीनों के मीनिंग को ऐसे मैंने प्रेजेंट सिंपल में समझाया है, और प्रेजेंट सिंपल का जो मीनिंग है वो भी कैसा प्रेजेंट है, ये इस प्रेजेंट मोमेंट का ही मामला है। जैसे कि अभी मैं फ्री हूं तो इस मोमेंट पे फ्री है, तीनों टाइम का मामला नहीं है ये, अभी वह यहां है और इस समय यहां मौजूद है। इसी प्रकार से ये अनुभव मेरी मेमोरी में है तो इस समय मेमोरी में है। हमने सबने इज या एम या आर, ये बी वाली वर्ब यूज करी है इन प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग समझाने के लिए, ब्रैकेट्स में जो इसका अर्थ समझाया गया है वो ब्रैकेट वाले मीनिंग किस बात को दिखा रहे हैं, इसका असर प्रेजेंट पे है, और असर बताने के लिए हमने बी वर्ब यूज किया है, और ये बी वर्ब जो आप रूटीन में जानते हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, और ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब यहां पे प्रेजेंट रियल टाइम को दिखा रहा है, इसका यूज कंटिन्यूअस में बन नहीं पाता है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के संदर्भ में पहली किस्म की जानकारी। ये जो हमने यहां जस्ट या ऑलरेडी रिसेंटली ऐसे शब्द यूज किए हैं, ये हर बार यूज करना अनिवार्य नहीं होता है, रियल लाइफ में तो ये वर्ड यूज आते ही नहीं है बहुत बार। तो हम सीधा ऐसे बोल देते हैं आई हैव विजिटेड लंदन। अगर आपको विशेष रुचि हो, हाल ही में घटना घटी है, यानी टाइम पे आप विशेष बल देना चाहते हैं, तब इसका इनका यूज करते हैं। कई बार हम रियल कम्युनिकेशन में ऐसे जो बीच में एडवर्ब वगैरह हैं इनका प्रयोग भी करते ही नहीं है, बिना इनके सीधा ही बोल देते हैं।